क्या आपका प्रोडक्ट अमेजोन पर लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स में कहीं खो गया है? सेल्स तो दूर की बात है, क्लिक्स भी नहीं आ रहे, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है राइट एंड रेलिवेंट कीवर्ड्स फॉर ड्राइविंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड बूस्टिंग सेल्स। लेकिन लाखों कीवर्ड्स में से कुछ रेलिवेंट कीवर्ड रिसर्च करके निकालना आसान काम नहीं है, और इस मुश्किल काम को आप सुपर डुपर इजी बना सकते हैं यूजिंग सेलराइज टूल। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे सेलराइज टूल से आप डोमिनेटिंग कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, दैट विल ग्रो योर सेल्स, रिकवर लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीज योर ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स पोजीशन। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। सबसे पहले आपको sellerize.com पर जाना है और अकाउंट बनाकर अपने Amazon सेलर सेंट्रल को कनेक्ट कर लेना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। Sellerize सिर्फ एक टूल नहीं है, ये पूरा सूट है। ये आपको 20 मस्ट हैव टूल्स देता है जो एक Amazon सेलर के लिए मोर देन एनफ है। ये टूल आपको फाइनेंशियल एनालिटिक्स टूल्स, कीवर्ड टूल्स एंड टूल्स फॉर सेल्स ग्रोथ, रिव्यूज एंड रेटिंग मैनेजमेंट टूल्स, इन्वेंटरी मैनेजमेंट टूल, Amazon FBA रिइंबर्समेंट टूल, मार्केट प्लेस एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, मोबाइल ऐप एंड क्रोम एक्सटेंशन जैसे काफी एडवांस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। लेकिन आज के वीडियो में हम कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड ही सीखेंगे, एंड अगर आप बाकी फीचर्स भी समझना चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं उन पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो पहला कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन टूल है सेलराइज कीवर्ड हंटर, जो कि एक पावरफुल टूल है एंड आपको हाई वॉल्यूम लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स विद स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन पोटेंशियल ढूंढने में हेल्प करता है, और आप इन कीवर्ड्स को फर्दर नैरो डाउन कर सकते हो यूजिंग फिल्टर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी, ब्रांड एंड अदर रेलिवेंट क्राइटेरिया। तो जब आप Sellerize टूल में लॉगिन कर लेंगे, अकाउंट बना लेंगे, तो उसके बाद सबसे पहले आपको कीवर्ड हंटर प्रो अगर टूल यूज करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हैं। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको सारे जितने भी सूट के टूल्स हैं वो दिख रहे हैं। तो इसमें आपको कीवर्ड का जो ये सेक्शन दिख रहा है वहां पे आप ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा कीवर्ड हंटर प्रो, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा। तो कीवर्ड हंटर प्रो क्या करता है कि जो भी आप इसको कीवर्ड देंगे उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है ये आपको प्रोवाइड करता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इस टूल को यूज करना है और कैसे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कीवर्ड्स को सो दैट आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिस्टिंग्स बना पाए और अपने पीपीसी कैंपेन्स को फर्दर ऑप्टिमाइज कर पाए इन कीवर्ड्स का यूज करके। ठीक है, तो कुछ हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम लेते हैं जिसका लिए हम यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे। तो आई एम गोइंग विद द कीवर्ड गोल्फ टॉवल। ठीक है, तो गोल्फ टॉवल जब भी हम लिखते हैं या कोई भी प्रोडक्ट हम लिखते हैं, द ब्यूटी ऑफ दिस टूल इज कि ये आपको ऑलरेडी सजेशन देने लगता है कि क्या इनमें से और कोई तो प्रोडक्ट या सीड कीवर्ड नहीं है जो आप ऐड करना चाहते हैं। तो गोल्फ टॉवल आ रहा है, गोल्फ टॉवल एंड ब्रश आ रहा है, गोल्फ टॉवल एंड ब्रश सेट आ रहा है एंड सो ऑन। तो बहुत सारे सजेशन आ रहे हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ गोल्फ टॉवल के साथ जाएंगे। तो हम इस कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप देखोगे ये कीवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप लगभग 10 कीवर्ड्स और डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिसर्च बहुत ही सिंपल तरीके से जाने वाला हूं आज इस टूल की। तो we will go with only one keyword which is golf towel। तो हम सर्च पे क्लिक करेंगे and less than 10 seconds में आपके पास ये सारा डेटा आ जाएगा। तो मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि इस डेटा को यूज कैसे करना है so that आप अपने listings को optimize कर पाएं and अपने advertisement campaigns को effective बना पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा सिमेंटिक कोर। सिमेंटिक कोर से मतलब यहाँ पे ये यह है कि गोल्फ टॉवल से रिलेटेड कितने हाई क्वालिटी कीवर्ड्स हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे 1240 कीवर्ड्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे गोल्फ टॉवल से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे टॉप रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो टॉप रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे नंबर दिखा रहा है 103, इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड के लिए टॉप 3 पोजिशन पे कितने प्रोडक्ट्स अपियर हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज एवरेज मार्केट अवेलेबिलिटी। एवरेज मार्केट अवेलेबिलिटी का मतलब है टॉप 3 पोजिशन के अलावा जो बाकी पोजीशंस हैं पूरे Amazon में इस कीवर्ड के लिए वो कितनी सेल्स जनरेट कर रही है। तो ये नंबर जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ओके, जो हिस्टोरिकल डेटा है वो है 3 इयर्स का। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे टॉप ब्रांड्स दिखा रहा है। ये वो ब्रांड्स हैं जो टॉप 3 पोजीशंस पे बार बार अपीयर होते हैं। ठीक है, आप इसमें किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके के सारी लिस्ट आ जाएगी उन ब्रांड्स की। और जो आपको ये एक्टिव टॉप दिख रहे हैं ये टॉप ब्रांड्स हैं जो टॉप 3 पोजीशंस पे बार बार अपीयर होते हैं। तो आप यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके सिर्फ उन ब्रांड्स का भी नाम देख सकते हैं जो एक्टिव टॉप की लिस्ट में है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो आप देखोगे नीचे वो ब्रांड्स भी हैं जो टॉप 3 पोजीशंस पे अपीयर नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने कॉम्पिटिटर की लिस्ट बनाना चाहते हैं या किसी को ट्रैक करना चाहते हैं तो वो नाम आप यहां से निकाल सकते हैं। सिमिलरली फॉर टॉप कैटेगरी। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ गोल्फ टॉवल। जो ये कीवर्ड है इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 3 इयर्स में, तो आप देखोगे 3 इयर्स का डिटेल्ड पूरा बाइफर्केशन दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सारा डेटा दिया हुआ है, सारी डिटेल्स
दी हुई हैं, तो यू कैन इजिली चेक द डिटेल्स एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर एनालिसिस, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। अब नीचे चलते हैं। नीचे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपनी लिस्टिंग्स में कैसे इन कीवर्ड्स को यूज करना है, कैसे आप फिल्टर डाउन करेंगे, आज मैं वो भी सिखाऊंगा इस टूल का यूज करके। तो अभी आप देखेंगे हमने 1240 कीवर्ड्स निकाले हैं, एंड किसी भी ह्यूमन के लिए, इवन मेरे को इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया है और मेरे पास टीम है, हम क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, लेकिन 1250 कीवर्ड्स को यूज करना, उनको फिल्टर आउट करना आसान काम नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे आज लाइव कि कैसे हम मिनिमम से मिनिमम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीवर्ड्स निकाल सकते हैं इस टूल का यूज करके, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि यहां पे जो डेटा आ रहा है वो क्या है। आप देखोगे गोल्ड टॉवेल हमारा सीड कीवर्ड था, बेस कीवर्ड था जो हमने दिया है, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी 1250 कीवर्ड्स हैं, 1240 कीवर्ड्स हैं, वो नीचे आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम वापस चलते हैं ऊपर। तो आप देखोगे यहां पे SR लिखा हुआ है, सेलर राइज का लोगो बना हुआ है। तो ये लोगो क्या करता है, ये कीवर्ड हंटर जो प्रो टूल है वो ओपन कर देता है। तो लेट सपोज अभी जो मैंने कीवर्ड हंटर प्रो रन किया है वो मैंने गोल्फ टॉवल कीवर्ड के लिए किया है। अगर हम इसको गोल्फ बैग टॉवल के लिए रन करना चाहते हैं तो मैं सिंपली इस बटन पे क्लिक करूंगा एंड इट विल ओपन द एंटायर डैशबोर्ड विद ऑल द डेटा बेस्ड फॉर गोल्फ बैग टॉवल, ठीक है। तो अभी हम इसी पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज ओपन ऑन Amazon। इस कीवर्ड पे बेसिस पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप चेक कर सकते हैं कि Amazon पे क्लिक करते ही Amazon हमें कौन कौन से प्रोडक्ट दिखाएगा गोल्फ टॉवल के केस में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई कीवर्ड डालता है Amazon पे तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सर्च रैंक। तो सर्च रैंक से मतलब यहाँ पे पोजीशन है, तो इसको आप बेस्ट सेलर रैंक की तरह कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, काफी सारे सेलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं सर्च वॉल्यूम में एंड सर्च रैंक में। तो ये सर्च वॉल्यूम नहीं है, ये रैंक है। दिस इज लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो ये रैंक जितनी कम होगी उतना बेटर होगा आपके लिए, ओके। द नेक्स्ट इज क्लिक्स, कितने क्लिक्स हो रहे हैं अगर प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। द नेक्स्ट इज सेल्स, कि इस कीवर्ड पे कितनी सेल हो रही है। अगर कोई गोल्ड टॉवल ये टाइप करता है Amazon पे और आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ क्लिक है, अगर 15968 जो नंबर है, ऑलमोस्ट 16,000 का नंबर है, उन क्लिक्स में से जो कन्वर्जन हो रही है, बेसिकली जो सेल्स हो रही है, वो लगभग 4200 है। और उसके बाद कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन से मतलब है एक पर्टिकुलर कीवर्ड कितने परसेंटेज सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, फाइनल सेल्स हो रही है, कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा समझना। तो ये कन्वर्जन परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। उसके बाद आप देखेंगे रेलिवेंस। रेलिवेंस स्कोर का ये डिफाइन करता है कि जो आपने सीड कीवर्ड डाला है, जो बेस कीवर्ड डाला है, जो कि गोल्फ टॉवल है यहां पे, उससे जो बाकी कीवर्ड्स हैं कितने मैच कर रहे हैं। तो गोल्फ टॉवल हमने डाला था तो गोल्फ टॉवल ऑब्वियसली रेलिवेंसी 100% होगी। उसके बाद आप देखेंगे बाकी कीवर्ड्स की जो रेलिवेंसी है वो उसके परसेंटेज में आपको दिखाया गया है कि कोई 66% है, कोई 65% एंड सो ऑन। उसके बाद आप देखोगे टॉप कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स। इस कीवर्ड के लिए, गोल्फ टॉवल के लिए 11 टॉप कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद आप देखोगे मार्केट अवेलेबिलिटी 78% है, जो कि लोअर हो रही है धीरे धीरे इस कीवर्ड के लिए। लेकिन नीचे वाले कीवर्ड्स के लिए आप देखोगे तो वो इंक्रीज हो रही है 79%, 80%, 80%, 100%, 83% एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद कैटेगरीज एंड ऑल है, इस डेटा का अभी हमें जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इन 1240 कीवर्ड्स में से ज्यादा इफेक्टिव एंड रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, सो दैट उनको जब हम अपनी लिस्टिंग में यूज करें तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हो और हमारे पीपीसी कैंपेन ज्यादा अच्छे परफॉर्म करें, ठीक है। तो उसके लिए सेलराइज हमें फिल्टर सेटिंग्स प्रोवाइड करता है जहां पे काफी सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं। तो आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे 1240 को नंबर को मिनिमाइज करता हूं और यू कैन यूज द सेम फॉर योर प्रोडक्ट्स एज वेल। तो मैं सबसे पहले कीवर्ड सेल्स में जाऊंगा और यहां पे 250 जो मिनिमम सेल मैं देख रहा हूं एक प्रोडक्ट की इस कीवर्ड पे, तो मैं इतना देख रहा हूं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 250 ठीक है नंबर और आई थिंक इतना लेना ही चाहिए आपको, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं अपना फिल्टर पे क्लिक करूंगा और आप देखोगे कि जो 1240 का नंबर था वो सिर्फ 46 रह गया। तो 1240 नंबर जो था ना, वो एक ह्यूमन के लिए एनालाइज करना, या मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन 46 को एनालाइज करना इट्स एन इजी टास्क। बट स्टिल हम इसको और ज्यादा कम करेंगे, और ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, लिस्ट को और बेटर बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कन्वर्जन लेंगे राउंड 15%, ठीक है। 15% क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप स्टैट्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो Amazon पे जो एवरेज थर्ड पार्टी सेलर का कन्वर्जन है वो 10-15% है। तो मैं मिनिमम 15% ले रहा हूं क्योंकि उससे बेटर, उससे ज्यादा जितना भी होगा वो बेटर है, ओके। मैं अगेन 15% लिखूंगा और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूंगा। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो 32 रह गए हैं 49 से, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको और किसी तरह मिनिमाइज करें और इसको फिल्टर आउट करें इस डेटा को। तो अभी हम देख
देखते हैं नीचे कि अगर आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको लगता है कि ये मेरे प्रोडक्ट से मैच नहीं हो रहा है, तो अगर हम नीचे देखेंगे तो जैसे मैग्नेटिक कीवर्ड है, अगर मान लीजिए आपके में ये नहीं है, ये फीचर आपके में नहीं है, और अगर जिम वगैरह के लिए ठीक है, तो आई थिंक मैं ये मान के चलता हूं कि मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं उसमें मैग्नेटिक फीचर नहीं है, तो मैं इसको एक्सक्लूड करने के लिए यहां पे एक्सक्लूड में मैग्नेटिक लिख देता हूं। ओके, तो यहाँ पे हम एक्सक्लूड करने की कोशिश करेंगे और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद देखोगे सिर्फ एक ही कीवर्ड था, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, बट स्टिल इट्स ओके। इसके बाद आप चाहो तो और फिल्टर आउट कर सकते हो कि अगर आपका प्रोडक्ट मैग्नेटिक नहीं है या कुछ और रिलेटेड नहीं है। जैसे यहाँ पे ब्रश आ रहा है, तो ब्रश अगर मैं नहीं बेच रहा हूं तो लेट्स ट्राई ब्रश एज वेल। हम ब्रश को ऐड करते हैं कि हमें ब्रश नहीं चाहिए और फिल्टर अप्लाई करते हैं। ओके, सो इसकी वजह से भी हमारे 5 कीवर्ड कम हो गए हैं। तो इस तरीके से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, अपने नंबर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने कीवर्ड्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे जो कि आपके काफी नंबर्स काफी कीवर्ड्स को कम कर देना चाहिए जिसे। तो मैं यहाँ पे मार्केट अवेलेबिलिटी पे आया हूं और मैं चाहता हूं कि मैं 80% ऑफ द मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी है वो वाले कीवर्ड्स मुझे मिले, राइट। तो जब हमने शुरू में ऊपर दिखा था तो हमें ये दिखा रहा था कि 72% जो मार्केट है वो अवेलेबल है, ठीक है, टॉप 3 पोजीशंस के अलावा। तो इसलिए मैं 80% लेना चाहता हूं, तो ये नंबर हम यहां पे अप्लाई फिल्टर करेंगे एंड मेरे को सिर्फ 10 कीवर्ड्स मिले। सो ये वो 10 कीवर्ड्स हैं जो कि हाईली रिलेवेंट हैं मेरे लिए, ठीक है, मेरे इस प्रोडक्ट के लिए। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 1240 में से मैं टॉप 10 कीवर्ड्स निकाल लिए हैं मैंने अपने प्रोडक्ट्स के लिए, एंड इनको यूज करके मैं अपनी लिस्टिंग्स को बहुत बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकता हूं एंड बहुत बेटर लिस्टिंग्स बना सकता हूं। और इसके अलावा इनको अगर मैं यूज करूंगा पीपीसी में तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट रिजल्ट्स, ठीक है। जब ये कीवर्ड्स निकल आएंगे तो आप ऊपर आके इनको एज अ रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन द रिपोर्ट बटन और ये प्रोडक्ट रिपोर्ट है या आपको डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे तो इस तरीके से ये रिपोर्ट आ जाएगी आपके कीवर्ड्स की, और उसके साथ आपको रेलिवेंट डेटा आ जाएगा, सर्च रैंक, क्लिक्स, पोजीशंस, सेल्स एंड अदर डेटा, एंड उसको आप यूज कर सकते हैं फर्दर अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए एंड अपने पीपीसी कैंपेन्स को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो जब आपके पास ये नंबर ऑफ कीवर्ड्स आ चुके हैं तो इनको कैसे बाइफर्केट करना है, ये कैसे यूज करना है बेस्ड ऑन डेटा कि मैं अपनी लिस्टिंग्स को कैसे इंप्रूव करूं और अपने कैंपेन्स को कैसे ऑप्टिमाइज करूं। तो जब आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना है तो उस केस में आपको रैंक कम चाहिए और क्लिक्स ज्यादा चाहिए। तो रैंक कम से कम होनी चाहिए और क्लिक्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर हम पीपीसी की बात करें, एडवर्टीजमेंट की बात करें, तो वहां पे हम एक और मेट्रिक कंसीडर करेंगे जो कि है कन्वर्जन। उस केस में कन्वर्जन हाई चाहिए और साथ में जो क्लिक्स हैं वो भी ज्यादा चाहिए। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल से याद कर लीजिए। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी है तो रैंक कम होनी चाहिए, क्लिक्स ज्यादा होने चाहिए, और पीपीसी कैंपेन ऑप्टिमाइज करने हैं तो क्लिक्स ज्यादा होने चाहिए और कन्वर्जन रेट भी ज्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली सेलर राइज आपको सिर्फ रॉ डेटा प्रोवाइड नहीं करता, हर कीवर्ड एक वैल्यूएबल मेट्रिक के साथ बताता है, जैसे सर्च वॉल्यूम, एस्टिमेटेड क्लिक्स पर मंथ एंड कन्वर्जन रेट एस्टिमेशन, और ये डेटा आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स कीवर्ड स्ट्रेटजीज की, उसके लिए हम समझेंगे सेलर राइज री रैंकर टूल। तो री रैंकर टूल के केस में अगर हम इसी एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करें जो की है गोल्फ टॉवेल, आप देखोगे टॉप रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहा है। तो टॉप रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते ही आपके पास लिस्ट ऑफ टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स आ जाएगा, एंड उसमें से हम देख सकते हैं कि जैसे पहला प्रोडक्ट है हैंडी पिक्स माइक्रोफाइबर गोल्फ टॉवेल। तो आप देखोगे अगर मैं इस SR के लोगों पे सेलर राइज के लोगों पे क्लिक करूंगा तो ये री रैंकर टूल रन कर देगा। लेकिन उससे पहले आप मैं हमेशा एक चीज रिकमेंड करता हूं, आप एक बार इस प्रोडक्ट को Amazon पे खोल के जरूर देखिए, ठीक है, सो दैट आपको ये पता चले कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट से सेम है या यही प्रोडक्ट मैं बेचना चाह रहा हूं। तो अगर हमें ये सही लगता है विच इज गुड, तो आप इसका एसिन कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आप एसिन नीचे प्रोडक्ट से ले सकते हैं या फिर आप ऊपर, मैंने बहुत सारी बार बताया है, ऊपर URL से भी ले सकते हैं। बट एक शॉर्टकट तरीका भी है, अगर आप सेलर राइज के लोगो पे क्लिक करेंगे तो ये री रैंकर टूल को रन कर देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कीवर्ड री रैंकर प्रो जो टूल है वो रन हो चुका है इस एसिन के लिए। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना है, आप लोगो से नहीं रिडायरेक्ट होकर आना चाहते, तो आप देखोगे कीवर्ड हंटर के नीचे ही री रैंकर टूल लिख के आ रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये री रैंकर प्रो जो टूल है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे
अपना एसिन जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 10 एसिन तक पेस्ट कर सकते हैं और सर्च पे क्लिक करेंगे और आप देखोगे वही सेम डेटा आपका पॉपुलेट हो गया है। हैंडीपिक्स, माइक्रोफाइबर, गोल्फ टॉवल हमने ढूंढा था वो हमें मिल चुका है, ठीक है। सिमेंटिक कोर बहुत सिंपल है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे आपको दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, वन इज 86 एंड अनदर इज 38। 86 जो नंबर है वो है सिमेंटिक कोर, मतलब इतने कीवर्ड्स की वजह से, 86 कीवर्ड्स की वजह से ये प्रोडक्ट टॉप 3 पोजीशंस में आ रहा है ड्यूरिंग द एंटायर हिस्टोरिकल डेटा, जो कि हमारा एक साल का डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे जो टॉप पोजीशंस पे लास्ट 30 डेज में जो टॉप पोजीशन में आया है वो कितने कीवर्ड्स हैं, वो 38 कीवर्ड्स। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितने हैं, 4123 कीवर्ड्स। अपॉर्चुनिटी कितनी है, इतने ज्यादा अभी हमारे पास मौका है अपने आप को और मार्केट करने का, अपनी सेल ग्रोथ करने का, दैट इज 1500 प्लस, ओके। वर्ड फ्रीक्वेंसी सिमिलरली, जैसा मैंने अभी लास्ट टाइम दिखाया था ब्रांड्स और कैटेगरीज के केस में, ये जो रीरैंकर टूल है ये बहुत सिमिलर है कीवर्ड हंटर प्रो से, तो मैं इसको पूरा डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैं चीजें बता चुका हूं आपको थोड़ी देर पहले। परफॉर्मेंस, ये वही परफॉर्मेंस है आपको एक साल में, ये परफॉर्मेंस एसिन के परफॉर्मेंस है एक साल में कैसा परफॉर्म किया है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि सिमेंटिक कोर आया हुआ है, सिमेंटिक कोर नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं, या सिमेंटिक कोर का सीधा मतलब है कीवर्ड्स सेलर राइज के केस में। तो आप देख सकते हो बहुत सारे कीवर्ड्स यहां पे आ रहे हैं इस एसिन से रिलेटेड। सर्च रैंक हमें पता चल रही है, एवरेज डेली टॉप सेल्स पता चल रही है, क्लिक्स पता चल रहे हैं, सेल्स पता चल रही है एंड कन्वर्जन पता चल रहे हैं, राइट। अब मैं इस एसिन से रिलेटेड भी जो बेस्ट कीवर्ड है उनको फिल्टर आउट करना चाहता हूं, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जो फिल्टर्स मैंने लास्ट कीवर्ड हंटर प्रो के केस में यूज किए थे हम वैसे ही यूज करेंगे। तो हमने एक्सक्लूडिंग कीवर्ड में मैग्नेटिक लिया था वो हम यूज करेंगे, मार्केट अवेलेबिलिटी मैंने 80% ली थी वो हम यूज करेंगे, एंड कन्वर्जन रेट का जो परसेंटेज था वो हम 15 यूज करेंगे, एंड देन वी विल अप्लाई फिल्टर। तो आप देखोगे आउट ऑफ 86 सिर्फ 21 कीवर्ड्स बचे हैं जो कि हाईली इफेक्टिव हैं, जो मैं अपने प्रोडक्ट में यूज कर सकता हूं, अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकता हूं उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए और अपने पीपीसी कैंपेन्स को और बेटर बनाने के लिए। रीरैंकर टूल की हेल्प से आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलॉन्ग विद एस्टिमेटेड क्लिक्स एंड पोटेंशियल सेल्स। इवन आप अपने कीवर्ड रैंकिंग परफॉर्मेंस को विद टाइम ट्रैक कर सकते हैं। सेलराइज जैसे एडवांस टूल का यूज करके आप काफी एक्यूरेट बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज सेलराइज आपको फ्री 7-day ट्रायल देता है, वो भी बिना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स के। एंड जब भी आप साइन अप करें यूज द लिंक मेंशनड इन डिस्क्रिप्शन टू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट। तो क्या आप तैयार हैं अपने Amazon कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। टूल अमेजिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।